गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आप सीखने से पहले एक बार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जरूर वीडियो देखें, क्योंकि उसमें हमने अच्छे से समझा रखा है कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहां करते हैं। तो उसे हम यहां पर ज्यादा रिपीट नहीं करने वाले हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है वो आपको समझाने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस को अगर हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना हो तो हमें सिर्फ है शब्द को था, थे, थी में करना पड़ता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचानती रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, ठहरा है, और साथ में उसमें लगातार समय का आना जरूरी होता है, सुबह से, शाम से, रात से। तो अगर हम पास्ट उसे बनाते हैं तो हमारे सेंटेंस की पहचान हो जाएगी रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, पड़ा था, बैठा था, ठहरा था, और लगातार समय का आना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से किताब पढ़ रहा था, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने हैज हैव बीन का प्रयोग किया था, अब हम प्रयोग करेंगे हैड बीन का। यस, तो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर भी ये बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें थर्ड प्लेस पे नॉट लगाना होता है, तो हम हैड और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। और इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्या वाले सेंटेंस में हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। और यदि हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बना रहे हैं जिसमें क्या भी आता है और नहीं भी आता है, तो हमारा स्ट्रक्चर होगा हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, सुबह से हमारा टाइम हो गया, पढ़ रहा है हमारी वर्ब हो गई और वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस बनेगा ही हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ये सिंस और फॉर हम ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सीख चुके हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोबारा वीडियो देखने के कोई पैसे नहीं लगते और पहली बार भी वीडियो देखने के कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, केवल हमने इसमें नॉट का प्रयोग किया। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड ही बीन रीडिंग अ बुक सिंस इन द मॉर्निंग, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में हैड ही नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस इन द मॉर्निंग। मैंने आपको बताया था कि फोर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमारी काउंटिंग आती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 50, whatever it is। उसके आगे दिन, महीने, साल, घंटे, मिनट का होना जरूरी है, तब आप फोर का प्रयोग करना। इसके लिए आप डिटेल में हमारी पहले वाली वीडियो देख लेना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो सिंपल सी बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर आपको आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ है को था में बदलना है और हैज हैव को हैड में बदलना है। हमने सिर्फ इतना ही किया है, हैज हैव की जगह हैड का प्रयोग किया है और दोनों सेंटेंस में बीन तो आना ही आना है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ मुश्किल लग रहा होगा आपको। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप दोनों वीडियोस को देखें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से समझ जाएंगे आप। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।